मंगलवार को आयोजित हुई जन सुनवाई में बामोर कला की रहने वाली निशा सोनी अपनी फरियाद लेकर आई। निशा सोनी ने बताया कि उसकी शादी आज से 4.5 साल पहले मुहारी कला में रहने वाले बसंत सोनी, जो कि पेशे से वकील है, उनसे की गई थी। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठीक चलता रहा, लेकिन इसके बाद मेरे पति व सास ससुर मारपीट करने लगे और मुझसे मायके से 10,000 रुपये मंगाने लगे, जिस पर मैं मायके जाकर उक्त रकम लाती रही। ये सिलसिला लगभग 4 साल तक चलता रहा, लेकिन इसके बाद पति और सास ससुर ने 2 लाख की मांग की। जब मैंने मना कर दिया तो मारपीट कर मुझे घर से भगा दिया। मामले को लेकर मेरे पिता ने कई बार बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हमने थाने में जाकर केस भी दर्ज करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा हम पर ही केस करवा दिया। जैसे तैसे मामले में FIR दर्ज कराई, लेकिन कोई भी वकील हमारा केस लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरे पति खुद वकील है और वहाँ दूसरों को भी धमकी देते हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आप मामले में कार्रवाई कर न्याय दिला दें। निशी सोनी, कहाँ से आए? बामर कला से। क्या समस्या लेके आई थी? हमारे पति हमारे लिए मारते कूटते हैं बहरे में से, और जान से मारने की धमकी देते हैं, और दूसरी लड़कियों के साथ रहते हैं। क्या नाम है पति का? बसंत सोनी, और वो मुहारी कला, वो वकील है, इसलिए उनकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे पति वो वकील है, बसंत सोनी मुहारी। किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? वो हमें मारते कूटते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। वो पैसे मंगाते हैं पहले। आपको ये कैसे पता चला कि वो किसी और लड़की के साथ रहते हैं? हमने देखा है लड़कियों के साथ। इसे आपकी शादी हुई कितने साल हो गए? 4.5 साल हो गए हैं। बच्चे कितने हैं? क्या बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है। उम्र कितनी होगी? 3.5 साल। कब से अलग रह रहे हो आप लोग? क्या अभी उन लोगों ने हमें मारा, तीनों ने, पापा ने, ससुर ने, सास ने, और हमारे पति बसंत ने। कितने पैसे की मांग कर रहे हैं? पहले 10,000 रुपये मंगाते थे तो हम लाते रहे, तो उनने इकट्ठे 2 लाख मंगाए तो हमने मना कर दिया, फिर उनने हमें मारा। वो अपने खुद के लिए मांग रहे हैं, वो तो मांग करते रहते हैं। जब से शादी हुई है जब से पैसे के लिए मारते कूटते हैं और परेशान करते हैं। आपका केस क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उन लोगों ने हमारे ऊपर उल्टा केस लगा दिया, हमारे मम्मी पर, पापा पर, भाई पर, उल्टा घरेलू हिंसा का हम लोगों लगा नहीं पा रहे, क्योंकि वो वकील हैं, तो कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, लग नहीं रहा। उनने उल्टा लगा दिया हमारे ऊपर। थाने गए थे, वहाँ पे हमने रिपोर्ट करवा दी, वहाँ उनकी रिपोर्ट में अभी पता नहीं है, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन घरेलू हिंसा का कोई केस नहीं लगवा रहा। अभी हम बामर रह रहे हैं। हाँ, और ये भी बोल रहा है साथ में कि हम तुम्हारे माता पिता भाई को भी मरवा देंगे, जान से मारने की सबको धमकी दे रहे हैं कि अगर आप जी लौटाओगे नहीं केस तो हम जान से मरवा देंगे। और कोई भी वकील हमारे खिलाफ लड़ नहीं रहा है, हाँ, उनके वजह से, क्योंकि वो डरा धमका देते हैं।